एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये है स्किन केयर से रिलेट आज का वीडियो। अगर आप लोग भी स्किन डिजीज से परेशान हैं, डॉक्टर से आप कंसल्ट कर चुके हैं, या आप इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं करना चाहते कि आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि एंड आप सभी को पता होगा जो स्किन ट्रीटमेंट होता है वो बहुत हाई प्राइस में होता है। मतलब पीलिंग होना और आपके मार्क्स को जो एक्ने के जो स्कार्स होते हैं उन्हें डिसॉल्व करने तक के लिए इतनी महंगी मेडिसिंस होती हैं। तो मैंने भी करा था, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एट द लास्ट मैंने यूज करे हैं एक ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट, तो आपके साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर कर रही हूँ। यूज कीजिएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपको काफी अच्छे लगेंगे। अभी मैंने स्टिल मेकअप करावा है, बट विदाउट मेकअप भी आई एम ओके, क्योंकि कुछ टाइम पहले इतने ज्यादा पिंपल्स हो गए थे, एक के बाद इतने मोटे मोटे निकल रहे थे, उनमें बहुत पेन था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। एंड मैंने काफी लंबा ट्रीटमेंट भी किया हाई प्राइस का, तो कोई मुझे उससे फर्क नहीं लगा। उन्होंने कहा पीलिंग कराइए, पीलिंग के भी उन्होंने मुझे 6 रेटिंग बताई थी, जिसका चार्ज बहुत ज्यादा हाई था, तो मैं वो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने भी कुछ प्रोडक्ट मेरे रखे हुए थे, मैंने मंगाए तो काफी पहले थे, पर मुझे लगा ज्यादा हो रहे हैं तो मुझे ये यूज नहीं करने चाहिए, मुझे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डर्मोलॉजिस्ट से। बट मुझे उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिला पिंपल्स में। एट द लास्ट मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया है, तो आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट कौन से हैं। तो मैंने बाय करे हैं डर्मोको के कुछ प्रोडक्ट्स, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पैकेजिंग कर चुकी है और मैंने यूज भी किए हैं, उसके बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। काफी लॉन्ग टाइम से मैंने यूज कर लिया है। एक बॉटल अच्छा खासा आपका 3 मंथ्स तक चल जाती है अगर आप कंटिन्यू यूज करेंगे। तो सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किस तरह यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनके साथ होती है कुछ टर्म्स कंडीशन। हम अपना स्किन केयर हमेशा अवॉइड करते हैं, मी ऑल्सो मेनी टाइम्स, मैं बहुत रेयर कर पाती हूँ। सो आज आपके साथ शेयर करें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेकअप से ज्यादा होता है स्किन अच्छी होना, तो बिना मेकअप के भी अच्छा लगता है, एकदम गुड फील होता है, तो वो मुझे होना बंद हो गया था। अब मैं कंटिन्यू ये यूज कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की। तो सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश, तो मैं यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं आई एम यूजिंग राइट नाउ, ये मेरी सेकंड है बॉटल। एक मैंने सिमिटिन से मंगाई थी, वो मैं यूज कर चुकी हूँ। ये है द डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश फॉर एक्टिव एक्ने। सैलिसिलिक एसिड है जो आपके पिंपल्स के जो मतलब पॉपअप हो जाता है, मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं, उन्हें ड्राई आउट करने पे बहुत अच्छे से हेल्प करता है और अंदर से ट्रीटमेंट देता है। ये ऐसा नहीं है बाहर से आपके बंद हो गए, ये अंदर से जाके हील करता है आपकी स्किन को। और ये आपको डे और नाइट 2 times यूज करना मैंडेट है। इसमें क्वांटिटी आई है 30 ml, इसका प्राइस है 149 rupees। एंड मैं आपको बता दूं, ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, डाई फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है। तो आपको जब एक्ने हो जाए तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होती हैं। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। सैलिसिलिक एसिड होना आपके फेस वॉश में बहुत मैंडेट है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। तो सेकंड देखते हैं। सो सेकंड प्रोडक्ट इज दिस इज अ पीलिंग सॉल्यूशन बेसिकली। तो इसमें है 15% AHA प्लस 1% BHA बिगनर फेस पीलिंग सॉल्यूशन एंड 30 ml इसकी क्वांटिटी है। आपको बताती हूँ AHA और BHA का क्या वर्क होता है। AHA BHA हमारी स्किन को अंदर से हील करते हैं, इसकी अंदर मतलब हमारी स्किन की जो लेयर है ना उसे ग्लोई बनाते हैं, उसमें जो डेड स्किन होती है उसे रिमूव करते हैं, और जो हमारे पोर्स एकदम क्लॉग्ड हो चुके होते हैं उन्हें ओपन करते हैं। उसके अलावा हमारी जो स्किन होती है वो रेडियंट होती है, पिंपल्स के स्कार्स जो होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसे काफी अच्छे से हेल्प करता है लाइट होने में, पिगमेंट को रिमूव करता है। तो ये बहुत मैंडेट होता है, आपको किस तरह यूज करना है ये बता देती हूँ। तो स्किन एक्ने प्रोन होती है तो उसमें आपको कोई भी ऐसा एक्सफोलिएशन वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करना जो बहुत ज्यादा हाई पार्टिकल वाला हो, तो आपको जेंटल यूज करना होता है, इसलिए ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो इसमें भी सैलिसिलिक एसिड है। ये प्रोडक्ट आपको डीप एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है। इसका जो प्राइस है मैंने डिस्काउंट पर लिया था, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे पड़ गया था, इसका जो अमाउंट था तो 499 था, मैंने बाय वन गेट वन में लिया था, 499 rupees है। तो 2 solution लिए थे मैंने, और आपको यूज कैसे करना है वो बता देती हूँ। वीक में आपको 2 times यूज करना है, जस्ट सिंपली मैंने यूज किया है ये काफी, मतलब रेगुलर यूज नहीं किया, बीच में मैंने छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, जस्ट लाइक अ वॉटर, ये देखिए आप, एक तरह से रेड कलर का होता है, इसका कलर चेंज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ड्राई प्लेस में नहीं रखना है आपको इसको। और आपको ये वीक में 2 times यूज करना है, सिंपली आपको इसे अप्लाई करना है, जस्ट लाइक ऐसे
अपने ड्रॉपर में लेके ऐसे अप्लाई कीजिए और सिंपल से स्प्रेड कर लीजिए। मसाज नहीं करनी है आपको, तो वीक में 2 टाइम आपको यूज करना है। आफ्टर 10 मिनट आपको अपना फेस रिंस करना है, नॉर्मल टैप वाटर से कर सकते हैं, नो इश्यू। और इसे यूज करने के बाद, क्योंकि ये स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, इसे थोड़ी स्किन खिंची खिंची आप फील करेंगे, तो आपको इसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत मैंडेट है। आपको सनस्क्रीन अवॉइड नहीं करना है, आप चाहे नाइट केयर में से यूज करें, जब भी यूज करें तो सनस्क्रीन जरूर लगाइए। इसके बाद आपको और कुछ अप्लाई नहीं करना है सनस्क्रीन के बाद, ये अप्लाई कीजिए। आफ्टर 10 मिनट्स आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और उसके बाद अपने फेस पे लगाना है आपको सनस्क्रीन। नेक्स्ट मैंने बाय किया है दिस वन, दिस इज अ 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। ये फेस सीरम है, दिस इज ऑल्सो ओनली फॉर एक्टिव प्रोन स्किन। ये आपको 2 टाइम यूज करना है, डे एंड नाइट। सिंपली ये भी ड्रॉपर में आएगा, आप देख सकते हैं मैंने अच्छा खासा यूज कर लिया, बहुत थोड़ा सा रह गया, ये मुझे बाय करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का है ये, जस्ट लाइक अ वॉटर। इसकी कंसिस्टेंसी आपको पास से दिखाती हूँ, एंड आपको इसे भी ऐसे ही यूज करना है। आपको सिंपली ऐसे ड्रॉपर से यूज करना है अपनी स्किन पे, मसाज नहीं करनी है, हल्के से आप स्प्रेड कर लीजिए। एंड उसके बाद आप इसे वॉश नहीं करेंगे, मैं वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि ये ऐसा पीलिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। सैलिसिलिक एसिड है जो आपके पिंपल्स को ड्राई आउट करता है, आपके पिंपल्स को एक बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट देता है सैलिसिलिक एसिड पर। कितने परसेंट आपको, कितने परसेंट वाला प्रोडक्ट यूज करना चाहिए वो मैटर करता है, तो दिस इज द परफेक्ट वन। इसी से मेरे पिंपल्स काफी हद तक गायब हुए, आप देख सकते हैं मार्क्स हैं पर पिंपल्स मेरे फेस में अब नहीं है, थैंक्स टू डर्मा को मैंने ये प्रोडक्ट यूज करे हैं। एंड इसको आपको सिंपली अप्लाई करना है, बहुत ही थोड़ा सी क्वांटिटी लेनी होती है, और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे ऐसा लगती है रॉ मैंगो, तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेके पूरे फेस में स्प्रेड कीजिए। एंड उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना है, तो कोई भी पीलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं उसके बाद आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना है, क्योंकि आपको सन के कॉन्टेक्ट में भी नहीं जाना होता है कुछ टाइम के लिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत मैंडेट है पीलिंग सॉल्यूशन के साथ। और सैलिसिलिक एसिड है तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे, या आप चाहे तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, नो इश्यू विद इट। तो उसके बाद देखते हैं इस बॉक्स पे क्या है। सो ये है 1% हेलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। माय स्किन में पहले से हेलोरॉनिक प्रेजेंट होता है, उससे माय स्किन ग्लोई और बूस्ट होती है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम वो कम होता जाता है, तो इसलिए हेलोरॉनिक आपकी स्किन केयर पे जरूर इंक्लूड होना चाहिए। तो मैंने लिया है डर्माको का 50 ग्राम है ये सनस्क्रीन, 499 अगेन इसका प्राइस है। दिस इज अ 1% हेलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। इसमें है हेलोरॉनिक एसिड, विटामिन ई, फ्रेग्रेंस फ्री, तो फ्रेग्रेंस फ्री है ये। सो पैकेजिंग इज दिस, टेक्सचर दिखाती हूँ, और आपको अपनी नेक पे भी यूज करना होता है, बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, इसके बाद बिल्कुल स्वेटिंग भी नहीं होती है, तो ये बेस्ट है। तो मैं कुछ टाइम से इसे ही यूज कर रही हूँ, जिसे मैं पीलिंग सॉल्यूशन जब भी अप्लाई करती हूँ उसके बाद अप्लाई करना मुझे मैंडेट होता है अपनी स्किन केयर पे, तो दिस इज द सेकंड वन। एंड अगर आप बेस्ट सनस्क्रीन की बात करेंगे तो मैं कहूंगी डर्मा को, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, स्टिकी नहीं है और स्वेट नहीं आता। मैंने ये सभी ऑफर में मंगाए थे, ऑफर में आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये है मॉइस्चराइजर, ये डे और नाइट आपको दोनों में यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन, तो ये अंदर तक पेनेट्रेट हो जाता है आपकी स्किन पे, ये इसकी खास बात है। एंड दिस इज अ डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड एंड फ्रेग्रेंस फ्री। इसमें भी कितनी क्वांटिटी है बताती हूँ, 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, इसका प्राइस 349 रुपीज है। अगेन दिस इज अ बेस्ट मॉइस्चराइजर, आप इसे अपने मेकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑयल फ्री है, तो मेरी स्किन के लिए दिस इज अ बेस्ट वन, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली प्लस ड्राई, विंटर में ड्राई, समर्स में ऑयली। और ये मैंने यूज कर लिया है, मैं दिखाती हूँ उसका थोड़ा सा टेक्सचर दिखाती हूँ आपको, बहुत ही लाइट वेटेड है ये, और पता भी नहीं चलता स्किन पे कैसे ऑब्जर्व हो गया, एंड बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, और आपको अगर ऑयल आता है ना तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। सो आपको एड ऑन करना है अपने स्किन केयर पर सैलिसिलिक एसिड अगर आप पिंपल से सफर कर रहे हैं। इसके अलावा पीलिंग सॉल्यूशन फॉर एवरीवन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आपके स्किन केयर में एड ऑन होना चाहिए वो सनस्क्रीन, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
समर्स में समर स्टार्ट हो गया सीजन ऑलमोस्ट, तो आपको समर्स में बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है सनस्क्रीन। अपने नेक पे लगाइए, अपने हैंड्स पे लगाइए, अपने फेस पे लगाइए, इनफैक्ट ईयर पे अप्लाई कर सकते हैं तो थोड़ा सा कीजिए। एंड आजकल स्प्रे फॉर्म में आने लगा है, आई थिंक दैट इज बेटर देन, क्यों ना बार बार अगर मेकअप के ऊपर लगाएंगे तो मेकअप तो खराब होगा ही, तो स्प्रे वाला वो भी है मेरे पास TNW का, वो और ज्यादा अच्छा है। आप इसे लगा लीजिए पहले, उसके बाद सिंपली उसे अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैंने कोशिश करी है आपको सभी प्रोडक्ट में शो कर दूं जो भी पिंपल से आपको रिलीफ दे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।